हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्रॉब्लम्स को, और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्रॉब्लम डिस्कशन का फोर्थ लेक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, प्रेडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, उनके प्रोडक्ट हम लोगों को बताने हैं। जैसे सबसे पहला जो रिएक्शन दिया गया है वो ये है कि इस हैलाइड पर ट्राईफिनाइल फास्फीन का रिएक्शन कराया गया है तो ए बना है। तो हम लोग देखते हैं कि ट्राईफिनाइल फास्फीन का रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। सपोज जैसे ये आपका ब्रोमाइड है, दिस इज ब्रोमाइड, इस पर ट्राईफिनाइल फास्फीन PPS3 का हमने रिएक्शन करा दिया। ये SN2 रिएक्शन है, इसने जाके इस पर अटैक किया, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, तो ये ऐसे बन गया, दिस इज PPS3 प्लस, ये बन, दिस इज ए। और इसके इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी है, और PPS3 प्लस एक स्ट्रांग माइनस आई ग्रुप होता है, और माइनस आई ग्रुप जो होता है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब इस पर हम स्ट्रांग बेस BuLi का रिएक्शन करा रहे हैं, दिस इज BuLi, BuLi में Bu-Li+, तो Bu- ने एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, तो इसने क्या किया कि H+ पर अटैक कर दिया, तो H+ के फॉर्म में निकल गया। नाउ व्हाट वी विल गेट, लाइक दिस, दिस इज यहाँ पर आ गया माइनस, और ये हो गया PPS3+। अब आप देखिए एलाइड बन गया, ठीक है। अब ये माइनस प्लस मिलके डबल बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये ऐसे बन गया। नाउ यू विल फाइंड लाइक दिस, दिस इज PPS3, ये हो गया। नाउ दिस इज कंपाउंड बी, ठीक है। अब इस पर एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन इज दिस वन, दिस इज CH3COCH3, दिस इज CH3COCH3, एसीटोन का रिएक्शन कराएंगे तो ओवरऑल क्या होगा कि H2O निकल जाएगा ऐसे। इसको विटिक रिएक्शन बोलते हैं, विटिक रिएक्शन एल्गीन बनाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। नाउ फाइनली यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज डबल बॉन्ड CCH3CH3, नाउ यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट सी। तो ये ABC अपने को इस तरह से मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का पॉइंट नंबर बी पार्ट है, बी है एक साइक्लिक, आपको एसकीटल दिया गया है और इस पर HCl का रिएक्शन कराया गया है, HCl का रिएक्शन H2O के प्रेजेंस में। तो ये एक तरह से ईथर की आप हाइड्रोलिसिस करा दें, तो ईथर की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा HCl से, दिस इज OCH3, दिस इज OCH3, ऐसे हो गया, ये पार्ट ऐसे ब्रेक हो गया, यहाँ पर H और OH आ गया और यहाँ पर भी H और OH आ गया। किसी भी ईथर पर H+ और H2O का रिएक्शन कराएंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो ये ऐसे फाइनली मिलेगा। अब एक कार्बन पर दो OH आ गए इस तरीके से, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर OH आ गया, साथ में 2 मोल ऑफ मिथेनॉल बन गया, दिस इज CH3OH। बट एक कार्बन पर दो OH रह नहीं सकते, तो तुरंत यहाँ से H2O निकल जाएगा ऐसे। नो, H2O रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया, तो फाइनली अपने को साइक्लोहेक्सिनोन मिल गया ऐसे। नाउ दिस इज कंपाउंड ए, ए पर CH3NH2 का रिएक्शन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड पर अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन कराते हैं तो इमीन बन जाता है या सिर्फ बेस बन जाता है, ओवरऑल वहाँ पर H2O एलिमिनेट हो जाता है। तो आप देखिए H2O एलिमिनेट हो गया। नाउ जो बी मिला अपने को वो ऐसे मिल गया, दिस डबल बॉन्ड NCH3, ये अपने को बी मिल गया। अब आप देखिए बी पर हाइड्रोजन पैलेडियम का रिएक्शन है, हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन का रिएक्शन है, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में बदल देगा। नाउ जो सी मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा, दिस इज NHCH3, दिस इज कंपाउंड सी। अब इस पर CH3COCl का रिएक्शन है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, दिस इज CH3COCl, ये एन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एन का लोन पेयर इस पर जाके अटैक कर देगा इस तरीके से, एन का लोन पर अटैक कर देगा, सीएल निकल जाएगा, एन पे प्लस आएगा तो एचसीएल निकल गया। नाउ फाइनली यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज एन CH3, दिस इज CO CH3, नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट डी। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाइड्राजीन का रिएक्शन है इस साइक्लिक कंपाउंड में, तो आप देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अमोनिया डेरिवेटिव है, फिर से वही रिएक्शन हो गया जो भी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो इसमें हाइड्राजीन का रिएक्शन हमने ऐसे करा दिया, दिस इज NH2NH2, ये हो गया। तो ओवरऑल आप देखिए कि H2O निकल जाएगा यहाँ से, दिस इज H2O,
एस टू ऐसे निकल गया, तो जो एक्स मिला वो ऐसे मिल गया, एक्स जो मिला वो ऐसे मिल गया, डबल बॉन्ड एन एन एच टू, दिस कंपाउंड एक्स। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ पर आर लगा दें, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक मीडियम में कराऊँ एच प्लस एच टू ओ से, चाहे मैं इसकी हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कराऊँ ओ एच माइनस एच टू ओ से, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक होकर डबल बॉन्ड ओ में बदल जाता है। बाकी का क्या हुआ इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए इस पर के वेज का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस कराए तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ गया तो अपने को जो वाई मिला वो ऐसे मिल जाएगा, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, दिस इज वाई। अब इस पर HCl का रिएक्शन है, HCl का रिएक्शन है तो अब आप देखिए ईथर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में हो जाएगी ऐसे, तो आप HCl का रिएक्शन जब आप इस पर कराएंगे नाउ यू विल गेट, ऐसे आप इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर OH आ गया, ऐसे ये भी ब्रेक हो गया, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर OH आ गया, तो फाइनली यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज OH एंड दिस इज OH प्लस दिस इज OH एंड दिस इज OH और ये ऐसे हो गया। अब एक कार्बन पर दो OH, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकला तो फाइनल प्रोडक्ट अपने को ऐसे मिल गया दिस वन, और ये अपने को मिल जाएगा CH3CHO लाइक दिस। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो कि आपको पता होना चाहिए, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जेड, ये तो साइड प्रोडक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से ए बी सी में हम लोगों ने पता लगा लिया कि रिएक्शंस के फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ आइडेंटिफाई ए टू एफ, इस रिएक्शन में हमें ए से लेके एफ तक आइडेंटिफाई करना है। एक अननोन कंपाउंड C8H10 दिया गया है, जब इस तरह के कंपाउंड दिए जाए ना C8H10 तो आप इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लें, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप इस कंपाउंड का निकालेंगे तो इस कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो 4 आएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टू माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टू प्लस 1। ठीक है, सी मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एच मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एन मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो अब आप देखिए कार्बन का जो नंबर है वो 8 है, हाइड्रोजन के नंबर 10 है तो 10/2, नाइट्रोजन 0 है 0/2 प्लस 1। तो अब आप जब आप इसको करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 8-5 प्लस 1, ये हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आता है तो इट मींस उस कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग जरूर है। तो जो ए है, ए के स्ट्रक्चर दो पॉसिबल हो सकते हैं, एक में एक तो बेंजीन रिंग तो आई गई और अभी दो कार्बन और हैं तो हम इसको CH2CH3 लिख सकते हैं, या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हों, एक यहाँ पर जुड़े हों और एक यहाँ पर, आर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। चलिए अब दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, अभी बाद में हमें क्लियर हो जाएगा कि ए का रियल स्ट्रक्चर क्या है। अब इस पर जब हमने रिएक्शन करा दिया NBS का, तो NBS का जब हमने रिएक्शन कराया तो बी जो एक मिल सकता है वो ऐसे मिल सकता है, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, और इसमें भी जब हम NBS का रिएक्शन कराएंगे तो बी का कोई एक स्ट्रक्चर ऐसे मिल सकता है, दिस इज BR, और CH3 ये वाला आर्थोमेटा पैरा पर कहीं हो सकता है, तो बी के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। पर अब इस पर फिर से स्ट्रॉन्ग बेस Me3CO- का रिएक्शन कराया गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस से तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो इससे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा कार्बन है, बीटा पर एच है ही नहीं, तो एलिमिनेशन तो इसी से होगा, इट मीन्स ए और बी ये नहीं थे। भाई देखिए ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, बेस यहाँ अटैक करेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा, इट मीन्स जो ए और बी था वो यही था, ये दोनों नहीं थे, बात क्लियर। अब इस पर जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस Me3CO- का रिएक्शन करा दिया, नाउ वी विल गेट लाइक दिस, इस तरह से अपने को मिल गया, अब ये बन गया C, और C पर जब हमने ओजोन का रिएक्शन कराया तो ओजोन का रिएक्शन रिडक्टिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको दिया गया है, जिंक H2O, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, दोनों तरफ O आ जाएगा,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ दो हाइड्रोजन है, सी एच टू है, आपको मालूम है। नाउ यू विल गेट बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, दिस इज सी एच ओ प्लस फॉर्मल्डिहाइड एच सी एच ओ। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये डी बन गया, डी बन गया। अब डी पर सी एस थ्री एम जी बी आर का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस भी करा दिया गया है। तो किसी एल्डिहाइड पर अगर हम ग्रिगनार्ड एजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। तो सी एस थ्री माइनस एम जी बी आर प्लस सी एस थ्री माइनस जाके इस पर अटैक कर दिया, ओ माइनस एच प्लस लेके ओ एच में बदल गया। नाउ अब अपने को जो मिल गया वो ऐसे मिल गया, दिस इज सी सी एस थ्री ओ एच और यहाँ पर एच आ गया। अब आप देखिए ई बन गया, दिस इज ई। ई पर आप देखिए पी सी सी का रिएक्शन है, पी सी सी से जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पी सी सी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हमने करा दिया तो ऐसे मिल गया। नाउ दिस इज सी ओ सी एस थ्री। अब इस पर फिर हाइड्रोजीन और ओ एच माइनस का रिएक्शन यानी उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर मैं इस पर हाइड्रोजीन का रिएक्शन एन टू एच फोर और ओ एच माइनस का रिएक्शन करा दें तो कार्बोनिल का ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है। नाउ फाइनली यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज सी एच टू सी एस थ्री और यही ए भी था। आप देखिए दिस इज ए और यही देखिए ए यहाँ पर यही था, यही हम लोगों ने ए लिया था। तो अगर इस तरह का केस कोई दिया जाता है तो पहले आप ये पता करिए कि उस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग है कि नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला यही होता है, नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टू माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टू प्लस वन। नाइट्रोजन नहीं तो छोड़ दीजिए,